टोंक के नवोदय विद्यालय के 23 बच्चे केरल में लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं। जी हां, इनमें से देवली की एक बच्ची भी शामिल है। आपको बता दें कि 13 साल की कृतिका थर्ड लैंग्वेज के अध्ययन के लिए गत वर्ष जुलाई में केरल के त्रिशूर अध्ययन करने के लिए गई और इन सभी छात्र छात्राओं को 28 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन लॉकडाउन में बच्चे वहीं पर फंस गए। वहीं कृतिका की मां ने अब बेटी को घर वापस लाने को लेकर गुहार लगाई है। चलते टोंक जिले के छाण स्थित नवोदय विद्यालय के 23 छात्र छात्राएं केरल में एक विद्यालय में फंस गए हैं। इनमें एक छात्रा कृतिका हवा जो देवली की है, वो भी इन बच्चों के साथ गत एक महीने से फंसी हुई है। इसके कारण कृतिका के परिजन बुरी तरह परेशान हैं। परिजनों से बातचीत में उन्होंने बताया कि हालांकि बच्ची से उनकी रोज बात होती है, जिसमें बच्ची ने बताया कि उनकी केरल में अच्छी देखभाल की जा रही है, लेकिन बच्ची के दूर होने से परिजनों का परेशान होना लाजमी है। उक्त सभी बच्चे गत वर्ष जुलाई में थर्ड लैंग्वेज के अध्ययन के लिए केरल के एक विद्यालय में गए हुए थे, जिनकी मार्च में परीक्षा होने के बाद 28 मार्च को वापसी होनी थी। इस दौरान लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण सभी बच्चे लॉकडाउन में फंस गए। इस संबंध में देवली विधायक हरिश्चंद्र मीणा तक बात पहुंचाई गई है, जिस पर विधायक ने सभी अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि केरल में फंसे हुए सभी बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन शिवपाल के साथ A1 TV के लिए मनीष बागड़ी, देवली टोंक।